किसी भी रीजन के रैपिड डेवलपमेंट के लिए चाहिए बेटर कनेक्टिविटी और बेटर कनेक्टिविटी के लिए चाहिए बेटर रोड्स। इन इंडिया एक्सप्रेसवेज आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट क्वालिटी रोड्स और इसीलिए करंटली भारत में मेजर सिटीज के बीच बेटर मोबिलिटी के लिए एक्सप्रेसवेज को डेवलप किया जा रहा है। फ्रेंड्स, गुजरात में वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट इज धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और इन शॉर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन दैट एम्स टू अर्बनाइज द सिटी विद हाई टेक मॉडर्न फैसिलिटीज एंड विद द प्रायोरिटी फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड बिजनेसेस। In order to provide a better connectivity of Dholera with the rest of the state, a brand new greenfield expressway between Dholera and Ahmedabad is currently being developed. Hello friends, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका Indian Construction Info Channel में। Friends, आज के इस special video में हम बात करेंगे एक under construction infrastructure project that is Dholera Ahmedabad Expressway project की, जिसमें हम देखेंगे इस project से related तमाम important available information, including the need of the project, route alignment, overall length of the project, number of structures proposed, some technical details, land acquisition details, current status, expected completion of this project, etc. तो friends, complete information के लिए इस video के last second तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस infrastructure related channel पर पहली बार आए हैं तो इस video को like, share और channel को subscribe करके हमारा motivation जरूर बढ़ाएं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन या कहें DSIR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, DSIR उन कई ग्रीनफील्ड सिटीज में से एक है जो DMIC दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बनाई जा रही है। अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में करीब 100 किलोमीटर दूर लोकेटेड धोलेरा गुजरात इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरपोरेशन यानी GICC द्वारा डेवलप किया जा रहा है। GICC एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV है जिसे DSIR को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। जनवरी 2009 में गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट पारित किया था, जिसके बाद से गुजरात राज्य में 7 ऐसे रीजन्स बनाए जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट के लिए फार्मर से इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन लेना काफी चैलेंजिंग टास्क रहा है और यही कारण है कि धोलेरा SIR का डेवलपमेंट भी कुछ स्लो पेस पर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, करंटली 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट अपना मोमेंटम पकड़ रहा है। साइज और मैसिवनेस की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि DSIR सिंगापुर सिटी से भी बड़ा होगा, जो कि एस्टिमेटेड 920 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करेगा। इसमें धोलेरा तालुका के 22 विलेजेस होंगे जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यह वडोदरा, भावनगर और अहमदाबाद के बीच स्थित है। ईयर 2040 तक यह रीजन 9,225 हेक्टेयर एरिया में फैल जाएगा और 800,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के साथ 2,000,000 लोगों के रहने की जगह भी होगा। तो फ्रेंड्स, इतने मैसिव और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर कनेक्टिविटी का होना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए करंटली धोलेरा और अहमदाबाद के बीच एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे एक अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल टाइप एक्सप्रेसवे होगा, जिसके कुछ सेक्शंस को करंटली 6 लेन विच आर एक्सपेंडेबल अप टू 8 लेन्स एंड कुछ सेक्शंस को 8 लेन्स विच आर एक्सपेंडेबल अप टू 12 लेन्स का डेवलप किया जा रहा है। इस 110 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे को 120 मीटर वाइड रखा गया है और इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिससे इस पर व्हीकल्स अप टू 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो फिलहाल एग्जिस्टिंग रूट से अहमदाबाद से धोलेरा तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स का समय लग जाता है। वहीं इस एक्सप्रेसवे के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अहमदाबाद टू धोलेरा मात्र 50 मिनट्स में पहुंचा जा सकेगा। एंड इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं दैट द ट्रेवल टाइम बिटवीन धोलेरा एंड अहमदाबाद वुड बी रिड्यूस डाउन टू मोर देन हाफ। फास्टर और सीमलेस मोबिलिटी की वजह से इस एक्सप्रेसवे रूट पर आने वाले एरियाज में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन होगा और बिजनेसेस को भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के आसपास के एरियाज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी इजाफा देखा जाएगा, जो कि अल्टीमेटली न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करेगा। अगर बात करें प्रोजेक्ट के रूट अलाइनमेंट की तो यह एक्सप्रेसवे सरखेज विलेज दैट फॉल्स ऑन द साउथ वेस्ट ऑफ अहमदाबाद के नजदीक स्थित सरदार पटेल रिंग रोड से स्टार्ट होगा। आगे यह बावला, धोलका, वतमान, फेडरा, पिपली जैसे एरियाज के नजदीक से होते हुए गुजरेगा और आगे धोलेरा पहुंचेगा। अपने पूरे अलाइनमेंट में यह एक्सप्रेसवे 2 डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज अहमदाबाद एंड भावनगर के बीच रन करेगा।
बात करें अगर टेरेन टाइप की तो द प्रोजेक्ट टेरेन इज मोस्टली प्लेन एंड इन सम एरिया इट्स रोलिंग। वहीं इस प्रोजेक्ट का एरिया सीज़मिक जोन 3 में फॉल करता है, विच मींस दिस एरिया फॉल्स इन द मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन एंड द स्ट्रक्चर्स दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड हैव बीन डिजाइंड अकॉर्डिंगली। अब अगर बात करें हम स्ट्रक्चर्स की तो इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल 13 मेजर ब्रिजेस, 21 माइनर ब्रिजेस, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 20 वेहिकुलर अंडरपासेस, 26 लाइट वेहिकुलर अंडरपासेस, 1 कैटल अंडरपास, 10 फ्लाईओवर्स और 216 नंबर ऑफ कलवर्ट टाइप स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड बनाने के लिए इसके दोनों तरफ बैरियर्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिससे किसी भी डोमेस्टिक या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, पेडेस्ट्रियंस एटसेट्रा को एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से रोका जा सकेगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के कुल 3 लोकेशंस पर टोल प्लाजास का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर पीरियोडिक इंटरवल्स पर सीसीटीवी कैमरास, एमरजेंसी कॉलिंग बूथ्स, फ्यूल स्टेशंस, ट्रक बस लेबाइस, वे साइड एमिनिटीज एटसेट्रा को भी इंस्टॉल किया जाएगा। टोल प्लाजास पर एडवांस्ड टोल कलेक्शन मैकेनिज्म को भी अडॉप्ट किया जाएगा। बात करें अब अगर हम लैंड एक्विजिशन की तो इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 959 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया गया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए मोर देन 4,500 ट्रीज को कट किया गया है। हालांकि देर इज ए प्रोविजन फॉर कंपनसेटरी प्लांटेशन ऑफ अराउंड 97,000 ट्रीज इन 3 रोज ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में मोर देन 3,300 करोड़ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन वर्क में मोर देन 800 करोड़ रुपीस को खर्च किया जा रहा है। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे इज समवेयर अराउंड 4,200 करोड़ रुपीस। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कुल 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पैकेज 1, 2 एंड 3 जिनकी कंबाइंड लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 71 किलोमीटर्स की है, पर करंटली 6 लेन टाइप एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। और वहीं पैकेज 4 विच फॉल्स इन द DSIR जोन टू एदलई विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट के बीच 8 लेन एक्सप्रेसवे दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 12 लेन्स को डेवलप किया जा रहा है। बात करें वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स की तो करंटली दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय सद्भाव इंजीनियरिंग, GHV इंफ्रा एंड MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब हम अगर नज़र डालें इस प्रोजेक्ट की करंट प्रोग्रेस पर तो इस प्रोजेक्ट पर वर्क ईयर 2021 से ही स्टार्ट हो चुका है। करंटली इस प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस अराउंड 25% की है, जिसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि फिलहाल द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज बिट स्लो। इनिशियली द कम्प्लीशन डेडलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट वॉज 24 months, बट नाउ अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड assumptions, आई कैन से दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीटेड नॉट बिफोर December 2024। सो उम्मीद है कि 2024-25 तक यह अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। द प्रपोज्ड अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे will provide better, fast, safe and seamless connectivity for the commuters of Gujarat state and specially the Dholera region. Smooth and fast moving traffic will cause only lower emissions, thereby reducing pollution levels, and with this, accident rates in the area are also expected to come down substantially. The development of this project road will improve the local agriculture and enable the farmers to realize better value for their products as well as attract more investment to that region, thus boost the economy of the area, state and the nation as a whole. People will have increased access to better social and health infrastructure and other services located outside the project area. This will in turn lead to the overall development of quality of life of the people residing in the project zone in terms of their economy, social and health status. अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कम्प्लीशन से लोकल टूरिज्म और इकोनॉमी को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यह थी कंप्लीट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ऑन गोइंग अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने सुझाव, विचार, सजेशन्स एक्सेट्रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।